सो गाइस, जब तक एक प्रॉपरली बॉडी फिटेड जिम टी शर्ट नहीं होते हैं, तब तक जिम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाते हैं। एक परफेक्टली फिटेड जिम टी शर्ट आपको जिम के अंदर कॉन्फिडेंस देता है और आप हेवी वेट लिफ्ट कर पाते हैं, एंड साथ ही साथ आपके जिम के अंदर परफॉर्मेंस बेटर करता है। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आपके वार्डरोब में पड़ा हुआ रिडक्शन टी शर्ट को आप एक अट्रैक्टिव जिम टी शर्ट बना सकते हैं। सो इससे पहले वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मेरे कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सो गाइस, आप मार्केट से जो जिम टी शर्ट परचेज करते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं, वो बहुत टाइम क्या होते हैं कि आपको परफेक्टली फिटिंग नहीं देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस होते हैं। सो आप जब अपने जिम टी शर्ट को खुद बनाते हैं, इससे क्या होता है कि आप मार्केट से कोई भी चीप टी शर्ट को परचेज करके लो बजट में आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपके परफेक्टली बॉडी फिटेड जिम टी शर्ट बना सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक टी शर्ट, एक सेफ्टी सीजर, एक पेन या पेंसिल, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आप हमेशा कॉटन टी शर्ट को ही ले, दूसरा कोई फैब्रिक के टी शर्ट लेने से इसके साइड से स्टिच खुल सकते हैं और आपके टी शर्ट डैमेज हो सकते हैं। सो आप तीन टाइप से जिम टी शर्ट को कट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होते हैं डीप कट, जो कि बिल्कुल नीचे तक कट होते हैं। अगर आपके लोअर चेस्ट ठीक ठाक है और अगर आपके ऑब्लिक मसल विजिबल है तो आप डीप कट कर सकते हैं। बट एक चीज इसमें खराब है कि डीप कट करने से टी शर्ट बहुत दिन तक नहीं चलते हैं और जल्दी ही इसके साइड के पोर्शन खराब होने लगते हैं। तो सेकेंड थिंग है मिड कट, ये आपके अंडर आर्म्स के थोड़ा सा नीचे कट होते हैं। ये अगेन दिखने में आपको बहुत ही ज्यादा सही लगेगा अगर आपके लैट्स ठीक ठाक है तो। एंड थर्ड वन है अपर कट, ये आपके अंडर आर्म्स के बिल्कुल क्लोज से कट होते हैं। अगर आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो आप टी शर्ट को अपर कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपर कट करूंगा क्योंकि डीप कट मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है और मिड कट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पे। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके निपल्स के अकॉर्डिंग एक मार्क बना ले। अब अगर आप डीप कट करना चाहते हैं तो एक नीचे तक लाइन बनाएं, अगर आप मिड कट करना चाहते हैं तो इस मार्क के ऊपर ही लाइन कट करके यहाँ तक ही कट होगा। अगर आप अपर कट करना चाहते हैं तो इस मार्क के ऊपर बिल्कुल जॉइंट्स के क्लोज से आपके टी शर्ट कट्स होगा। तो मैं यहाँ पे अपर कट कर रहा हूँ तो मैं मार्क के ऊपर से इसको कट ऑफ करूंगा बिल्कुल जॉइंट्स के क्लोज से। सो ये हो गया मेरा टी शर्ट बन के रेडी। तो गाइस, यही था फुल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें नेक्स्ट किस टॉपिक और वीडियो चाहिए, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने जिम ग्रुप में जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।